अब पैरानॉर्मल की बात कर रहा हूँ तो आप सभी के साथ एक और किस्सा शेयर करता हूँ। बेसिकली रियल केस है जो मैंने डील करा था, जिसको मैंने ठीक किया था। एक लड़की थी, यंग लड़की थी, उसके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा तांत्रिक प्रभाव किया, कुछ ऐसा भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी चीज़ की, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रही थी और बोल नहीं पा रही थी। और ये घटनाक्रम कोई, जैसा उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया, कुछ 3 दिन चला। उस 3 दिन से तो वो लड़की ना तो कुछ खा रही थी, तकलीफ़ में थी, बोल अलग नहीं पा रही थी, देख भी नहीं पा रही थी। अब सबसे बड़ी जो दुखद चीज़ है इसके बीच में, 3 दिन तक उनके पेरेंट्स कई बाबाओं के पास गए होंगे, जगह जगह पर तांत्रिकों के पास गए होंगे, और उन लोगों ने उस लड़की को खिलौना बना दिया। मीन्स जब मैंने उसको कुछ समय बाद देखा था और जब वो फ़ोन पर उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया, तो उन लोगों ने अगरबत्ती से उसके हाथों पर पैरों पर उसको जला दिया था, इसलिए कि वो चीखे चिल्लाए बोले आँख खोले, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब जब वो केस मेरे पास आया, फ़ोन पर आया, उन्होंने मुझे बताया सारी चीज़, मुझे वीडियो पर दिखाया उन्होंने सारी चीज़ों को, तो जब मैंने वो चीज़ों को वीडियो पर देखा, फ़ोन पर सुना, मैंने उनको टाइम दिया 45 मिनट्स। घंटाकर्ण महावीर की सेवा करता हूँ, 30 सालों से करता हूँ, है ना, मंत्रों की ताकत है, मालूम है मुझे। मैंने उनको टाइम दिया 45 मिनट्स। उस दौरान मैंने हीलिंग करी, यहाँ से डाउजिंग से जो वर्किंग करता हूँ वर्किंग करी। 45 मिनट बाद मैंने फ़ोन लगाया तो जो पहली आवाज़ आई उस लड़की की थी, हेलो, आवाज़ खुल गई थी। मैंने वीडियो कॉल किया, उसने आँख खोल के मेरे को देखा, वो लड़की ठीक हो गई थी। उसके बाद रात को उसने खाना भी खाया। उसके जब मैंने उनसे बोला था, उनके पेरेंट्स को, तो वो 2-3 दिन बाद फिर उसको मेरे पास लेकर आए। फिर मैंने यहाँ पर उसकी वर्किंग करी, तब मैंने उसके हाथों पर और पैरों पर निशान देखे, जो उन 3 दिनों में विभिन्न प्रकार के बाबाओं ने और तांत्रिकों ने उस लड़की को दे दिए थे। बड़े दुख की बात यह थी कि ये सब उनके पेरेंट्स के सामने भी हुआ था। बहरहाल वो 45 मिनट, उस 45 मिनट में उस लड़की को मैंने वापस खड़ा करा, उसको वापस से उसकी आवाज़ लाया, उसकी आंखें खुलवाईं और उसको खाना खिलवाया। ये कृपा थी हमारे इष्ट देव श्री घंटाकर्ण महावीर की, और ताकत थी वो हमारे साथ के मंत्रों की।